नमस्कार, आज 4 मई आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की सभी मुख्य खबरें। महाराष्ट्र में गहरा सकता है लाउड स्पीकर विवाद। राज ठाकरे के अपील के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस को दी खुली छूट। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उतर जाएंगे मस्जिदों से लाउड स्पीकर। राज ठाकरे ने बाला साहब का पुराना वीडियो ट्वीट कर याद दिलाए उनके विचार। वही महाराष्ट्र के थाने में गौशाला के न्यासी से 2 करोड़ रुपए की मांग। महिला और उसके बेटों पर मामला हुआ दर्ज। मुंबई के किंग्स सर्कल रेलवे पुल के नीचे फिर फंसा कंटेनर ट्रक। वही लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी को लेकर मुंबई और आसपास के शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मुंबई के जेजे अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, ढूंढा थायराइड बीमारी का आधुनिक तोड़। मनसे के 250 कार्यकर्ता हिरासत में, लाउड स्पीकर पर चला रहे थे हनुमान चालीसा। लड़की ने खोला कार का गेट, टकराकर स्कूटर सवार हुआ घायल। कोर्ट ने बोला इसमें दोनों की गलती। इसमें आप सभी लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा। हमारे कार्यकर्ता करेंगे मस्जिदों की रक्षा, बोले मोदी के मंत्री, बीजेपी से अलग, अठावले ने पकड़ी राह। वही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गर्लफ्रेंड को बाइक से जंगल घुमाने पहुंचा लड़का, शिकार की फिराक में बैठे बाघ ने कर दिया हमला, गंभीर रूप से हुए घायल। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। बस, टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।